भाइयों आज हम बात कर रहे हैं पोर्न की असलियत के ऊपर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना धैर्य के साथ। हमारे बहुत से युवा भाई है जो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे। ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो दिमाग में गंदे विचार आने लगते हैं, गंदे विचार आते हैं तो हमें प्रेरित करते हैं वो वाली वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये उसी की देन है। वो वीडियो सर्च करते हैं और देखते हैं और हस्तमैथुन कर बैठते हैं। बहुत से भाइयों ने कहा भाइयों सुबह सुबह हमारी जो है वासना बहुत ज्यादा तीव्र होती है, अगर किसी को नाइटफॉल हो जाए तो तुरंत उसको हस्तमैथुन करने का मन करता है। सुबह 4-5 बजे के बीच में तीव्रता इतनी होती है कि वो चाहकर भी अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते, मोबाइल में सर्च करते हैं और हस्तमैथुन कर बैठते हैं। मतलब उनकी सुबह की शुरुआत पोर्न और हस्तमैथुन से होती है। तो अब से ऐसा नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप जिनको उसमें देख रहे हैं, जिस लड़की को देख रहे हैं, किसी आदमी को देख रहे हैं, जो भी वो क्रिया कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सब असली है? मैंने पहले भी कहा है कि ये सब रियलिटी नहीं होती, ये सब नकली है। या तक कि उनकी ये चमड़ी, जो आप चमड़ी देखते हो ना आकर्षण लड़की का, ये जो चमड़ी आप देख रहे हो ये भी नकली होती है। जी हाँ, अभी आगे सुनना जरा ध्यान से कि नकली चमड़ी कैसे बनाई जाती है, जरा सुनिएगा ठीक है। अब इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, किसी का होता है आजीवन यही करते रहो, किसी का तरह तरह की कुछ में शर्तें रखी जाती हैं और ये क्रिया फाल की जाती है। अब आप उसमें जो भी देख रहे हैं, किसी भी स्त्री को देख रहे हैं, आपने एक वीडियो देखा फिर लगातार उसके नीचे आप वीडियो पे वीडियो देखते जाते हैं, आपको लगता है कि बस यही सुख है ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए नरक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब उसमें से बहुत से लोग, एक नाम काफी प्रचलित है मियां खलीफा का, उसने अपने इंटरव्यू में बताया जैसे कि उसका पांव एक गड्ढे पे पड़ गया। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे हम हैं, हमें नहीं पता था कि हस्तमैथुन के कितने नुकसान होते हैं ठीक है। हम हस्तमैथुन किए जा रहे थे, जब हमें लगा कि नहीं यार ये गलत है, हमने इसके बारे में जानकारी ली तो हमें पता चला कि नहीं यार हस्तमैथुन तो बहुत गलत है, ब्रह्मचर्य करो, वीर रक्षा करो ठीक है। ऐसे ही उनने भी क्या किया, पैसों की लालसा कि इसमें बहुत पैसे हैं, पॉपुलैरिटी है, चलो पैसा कमाते हैं, शॉर्टकट रास्ता है, बस पहुंच गए। उसके परिवार वाले भी उससे दूर रहते हैं, सारे कॉन्टेक्ट उससे खत्म कर दिए। स्वाभाविक है, जिस बच्ची को पाला पोसा और वो ऐसे कार्य करे, अब वो चलेगा इंडस्ट्री में, थोड़े थोड़े समय तक तरह तरह की उन्नी क्रियाएं करी, एक्टिविटीज उसमें करी है, तरह तरह के क्या क्या उसमें किए मैं बोल भी नहीं सकता हूं, उसमें सब कुछ किया। एक दिन खुद उब गए, परेशान हो गए कि यार अब हम इससे परेशान हो चुके हैं। सबसे बड़ा इसमें पैसा बहुत मिलता है, ये एक भ्रम है। जी नहीं, इसमें पैसा ज्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही पैसा मिलता है, इस शरीर की कोई औकात नहीं है ठीक है ना, थोड़ा बहुत ही पैसा मिलता है बस। ये भ्रम फैला हुआ है, बहुत से युवा भाई है, एक भ्रम फैला हुआ है। मियां खलीफा ने भी कहा एक भ्रम है कि इसमें बहुत सारा पैसा मिलता है, नहीं बहुत कम पैसा मिलता है इसमें, ज्यादा पैसा कौन कमाती है, ये कंपनियां जो ये बनाती हैं, समझ रहे हैं बाप को। तो ये भ्रम है सबसे ज्यादा कि इसमें पैसा मिलता है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम पैसा मिलता है, आधे से ज्यादा पैसा इनकी बॉडी पे ही लग जाता है। सुनिएगा जरा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने शरीर में केमिकल वाले इंजेक्शन लगवाते हैं ये। आप जिस शरीर को देख रहे हो ना, उस शरीर की चमड़ी के पीछे हरा कलर का केमिकल बह रहा है। जी हाँ, मुंह से बदबू आ रही होती है, या तक कि शरीर में से भी बदबू आ रही होती है। वो तो बस कैमरा एडिटिंग वगैरह लीपा पोती का कमाल है जो आप वीडियो में देख रहे हो, बात को समझ रहे हैं मेरी, वरना ये गुप्तांग वगैरह जो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं ठीक है ना। तो ये सब केमिकल किसी के स्तनों पे लगाया जा रहा है, किसी के बैक पे लगाया जा रहा है, किसी के शरीर पे लगाया जा रहा है कि ये काफी उभरे हुए दिखे, लोग आकर्षण का केंद्र बने, देखें उसको बार बार आके क्लिक करें। लेकिन रियलिटी क्या है, जब इनकी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे, तरह तरह के इनकी बॉडी में रिएक्शन होते हैं, जब ये बुढ़े होने लगते हैं तो इनका पूरा शरीर सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है, प्लास्टिक सर्जरीज करा करा के जिंदा रहते हैं। मतलब जितना पैसा इनने कमाया भी नहीं होगा ना, उससे ज्यादा पैसा अपने शरीर को बचाने के लिए ये लोग लगा देते हैं, और अंततः क्या होता है, फिनिश, कहां ले गए, क्या कर लिया, बात को समझ रहे हैं। और हमें जब ये रियलिटी पता चलेगी, आज से भी जब आप 40-50 साल के हो जाओगे और किसी उसी एक्ट्रेस को जिसको देख के आपने खूब हिलाया, अब आप उसको देखोगे कि यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसके लिए, इस इमेजिनेशन औरत के लिए, इसके खुद क्या क्या बुरे हाल है भी कि नहीं, मर गई,
बुड्ढे हो के खाल लटक जाती है उनकी, पूरी इतनी बदबू आती है, मतलब एक नॉर्मल जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ना उससे भी गई ज्यादा उनकी गंदी हालत हो जाती है, केमिकल की बॉडी रहती है उनकी पूरी की पूरी, आप सोच नहीं सकते उसमें कितनी गंदगी भरी होती है। और देखिए इन्होंने औरतों का लगातार अपमान किया है, बताया कि देखो स्त्री सिर्फ एक वस्तु है, इसको बस वस्तु की तरह लो स्त्री को, कैसे कुछ भी काम उसमें हो रहा है उसमें बस ये दिखाया जा रहा है स्त्री कितनी खुश है, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं, ये उनका काम है, कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, पैसों की लालसा में, उसमें क्या बताया जा रहा है स्त्री का अपमान करो, स्त्री सिर्फ वस्तु की चीज है, बस उसको इस्तेमाल करो और फेंक दो छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं है, स्त्री हमारी जननी रही है, ये लोग उसका अपमान करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, ये लगातार अपमान करते हैं उसका, घनघोर ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, आप अच्छे से जानते हैं, और हम उन्हें देखकर सच में स्त्री का अपमान कर रहे हैं, हमारे दिमाग में अपमान की भावना रहती है, हम जिस भी लड़की को देखते हैं उसे भोग की नजरों से देखते हैं कि बस मुझे ये मिल जाए तो मैं इसके साथ वो करूं जो मैंने देखा, अरे ये रियलिटी नहीं है, समझ जाओ मेरी बात को, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको पता है बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो थक गए ये सब कर करके वो इससे बाहर नहीं निकल पाए, बाहर निकलना चाहे तो जान से मारने की धमकी देते थे, ठीक है, कि अगर तुमने इंडस्ट्री छोड़ी तो छोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने खुद जाके सुसाइड कर लिया, वो इस नर्क से बाहर निकलना चाहते थे, और हम इन्हों देख देख के अपना वीर का नाश कर रहे हैं और अपने आप को नरक भरी जिंदगी में झोंकते जा रहे हैं, सिर्फ मात्र सोच सोच के, इमेजिनेशन कर करके कि जो इसमें बताया जा रहा है यही सत्य है। अरे जाग जाओ, अगर ये वीडियो देख रहे हो तुम अभी तक मेरे भाई, जाग जाओ मेरे भाई, कुछ भी नहीं रखा है इसके अंदर, जो तुम देख रहे हो ना गंदी नाली के कीड़े हैं ये, समझ रहे हो, जो आप तुम सब देख रहे हो सब एडिटिंग वगैरह का खेल है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं इस पर सेकंड पार्ट भी बनाकर लेकर आने वाला हूं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं उस पर और बोलूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रह्मचर्य को अपने बिल्कुल लाइफस्टाइल में शामिल कर लो, इनसे दूर हो जाओ बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य पालन करो मेरे भाई, इन सबसे आप बाहर निकलने की कोशिश करो, आपको निकलना होगा, ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं 5-10 दिन ही कर पाता हूं, हिम्मत करो, मैंने इस पर बहुत वीडियो बना के रखे, हिम्मत करो, और भी मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछिएगा हमसे, बताइएगा जो भी आपको, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।